हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं इस लेक्चर में विभिन्न सूचकांकों को और भारत का इसमें स्थान देखते हैं। आपको बता दें, ये सभी सूचकांक 2019 के हैं, सितंबर माह तक के। तो पहला हमारा विश्व यात्रा और पर्यटन वित्तीय स्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 34वें स्थान पर रहा है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार विश्व यात्रा और पर्यटन वित्तीय स्पर्धात्मकता सूचकांक 2019 में 6 छलांग स्थानों की छलांग लगाकर भारत ने 34वें स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिए, ये 34वां स्थान प्राप्त किया है विश्व यात्रा और पर्यटन वित्तीय स्पर्धात्मकता सूचकांक में। WEF की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 1.5 करोड़ से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुंचे, जबकि यात्रा और पर्यटन उद्योग का हिस्सा 3% था। उद्योग को का रोजगार 5.1% था। फ्रांस और जर्मनी के बाद रैंकिंग सूचकांक में स्पेन सबसे ऊपर है। तो फ्रांस और जर्मनी, फिर है अपना स्पेन। शीर्ष 10 अन्य देशों में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। अगला हमारा सोने के भंडार में शीर्ष 10 देशों में भारत शामिल है। कुल भंडार, स्वर्ण भंडार के संदर्भ में भारत नीदरलैंड को पछाड़ कर शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल हो गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में 618.2 टन के कुल सोने के भंडार हैं, जो नीदरलैंड में 5 टन के भंडार से थोड़ा अधिक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अमेरिका देश की सूची में 8,500 की कुल स्वर्ण भंडार के साथ सबसे ऊपर है, जिसके बाद जर्मनी 3,366.8 टन है। व्यक्तिगत देशों के संदर्भ में बात करें तो भारत वास्तव में 9वें स्थान पर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अमेरिका और जर्मनी के बाद तीसरे स्थान पर है। अगला है हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, मुंबई का सोहो हाउस टाइम्स के 100 सबसे महान स्थानों में शामिल है। गुजरात में 597 फुट ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और मुंबई के सोहो हाउस को टाइम्स पत्रिका 2019 ने अपनी दूसरी वार्षिक सूची में विश्व के सबसे बड़ी जगहों तथा 100 नए उल्लेखनीय स्थलों के संकलन में चित्रित किया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और साथ ही उप प्रधानमंत्री के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप है। मुंबई का सोहो हाउस एशिया में पहला सोहो हाउस है जिसका कॉन्सेप्ट US और यूरोप से आया है, जिसमें केवल निक जोन्स के सदस्य या केवल खिलवाड़ों को प्रदर्शित प्रवेश की अनुमति होती है। अगला है हमारा भारत इप्सोस द्वारा ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे पर 9वें स्थान पर आया। इप्सोस के एक ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे के अनुसार भारत 28 वैश्विक बाजारों में खुशी सूचकांक में 9वें स्थान पर रहा है। भारत के लिए 6% की गिरावट 2018 में 83% से बढ़कर 2019 में 77% हो गई। शीर्ष स्थान पर रहे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 86% पर, दुनिया के सबसे खुश देशों के रूप में उभरे हैं, जबकि रूस 47%, 28 बाजार के बीच में निचले भाग में उभरा है, तो रूस सबसे नीचे रहा है। अगला है हमारा दिल्ली की मुंबई की EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में गिरावट आई है। 2019 के इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स दिल्ली और मुंबई दोनों के गिरते रैंकों के साथ जारी किया गया। नई दिल्ली पिछले साल 112 में से 6 स्थान गिरकर 112 पर आ गई थी, और मुंबई भी इस साल के सूचकांक में 117 के स्थान से गिरकर 119वें स्थान पर पहुंच गई है।
ऑस्ट्रेलिया में वेना, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में वेना, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न और सिडनी शीर्ष 3 शहरों में शहर बनाते हैं। सर्वेक्षण में स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और पर्यावरण सहित सभी संकेतकों को शामिल किया गया। अगला हमारा दिल्ली विश्व सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2019 में मुंबई 45वें स्थान और दिल्ली 52 मतलब 52वें स्थान पर रही। इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट की एक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित शहरों के सूचकांक में मुंबई 45वें स्थान पर रखा गया, जबकि दिल्ली को 52 वे स्थान पर रखा गया। 52 52 52 हैं ठीक। टोक्यो शहर शीर्ष स्थान पर जबकि सिंगापुर और ओसाका सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अगली है हमारी स्टेट रूप टॉप और आकर्षण सूचकांक में कर्नाटक सबसे ऊपर है। राज्यों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं के साथ समीक्षा योजना और निगरानी बैठक के दौरान राज्य छत सौर आकर्षण सूचकांक सरल लॉन्च किया गया। कर्नाटक सूचकांक में सबसे ऊपर आया है, जो छत के विकास के लिए उनके आकर्षण के आधार पर भारतीय राज्यों का मूल्यांकन करता है। सरल को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, शक्ति रिन्यूएबल एनर्जी फाउंडेशन, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया और अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा सहयोग से डिजाइन किया गया है। अब अगस्त माह की हम बात करें सूचकांकों के बारे में, तो वर्ष 2018 में भारत 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में श्रेणी में नीचे आया। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2017 में भारत 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा था। अमेरिका वर्ष 2018 में 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ शीर्ष अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चीन 6 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि जापान ने 5 ट्रिलियन डॉलर के तीसरे स्थान पर। वर्ष 2018 में भारत की जीडीपी 60 ट्रिलियन डॉलर था, जबकि यूके की और फ्रांस की 2.8 ट्रिलियन डॉलर। भारत अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सॉरी दोस्तों, एक गलत लिखा हुआ है, यहाँ छप गया है। तो आपको बताते हैं कि अमेरिका भारत 7वें स्थान पर आया, इसकी जीडीपी है 2.7 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, अमेरिका की बात करें हम लोग तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, मतलब पहले स्थान पर। इसकी जीडीपी है 20.5 ट्रिलियन डॉलर। और फिर उसके बाद है चीन, चीन की जीडीपी है 13.6 ट्रिलियन डॉलर। आपको बता दें 5 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ जापान है तीसरे नंबर पर। और फिर उसके बाद है हमारा ब्रिटेन और फ्रांस है, इसकी जीडीपी है 2.8 ट्रिलियन डॉलर। और भारत है 7वें नंबर पे, ठीक है, इसकी जीडीपी है 2.7 ट्रिलियन डॉलर। तो याद रखिए, अमेरिका की है 20.5 ट्रिलियन डॉलर और चीन की है 13.6 ट्रिलियन डॉलर। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है चीन। भारत दुनिया का 46वां सबसे अधिक संकट वाला देश है, ये रिपोर्ट दी है वाटर स्ट्रेस इंडेक्स 2019 के अनुसार। लंदन स्थित संकट एनालिटिक्स फर्म वेरिस्ट मैपल क्रॉप्ट द्वारा तैयार वाटर स्ट्रेस इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत दुनिया का 46वें सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। भारत के 20 सबसे बड़े शहरों में 11 में पानी के अभाव का अत्यधिक संकट है और 7 उच्च जोखिम श्रेणी में है, जिनमें शामिल है दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नासिक, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर। यह अत्यधिक जोखिम वाले शहर हैं।
चेन्नई भारत के जल तनावग्रस्त शहरों के लिए हिमखंड का सिरा है। अगला वाला, फ्लिपकार्ट ने लिंक्ड इन की 2019 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। भारत की 2019 के शीर्ष कंपनियों की सूची के लिंक्ड इन के चौथे संस्करण में वॉलमार्ट ने अधिग्रहण किया है। फ्लिपकार्ट को भारत में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल के रूप में पहले स्थान पर रखा है। शीर्ष 3 कंपनियां रही हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओ। अब जुलाई माह के इंडेक्सों की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019, 24 जुलाई 2019 को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 2019 के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 12वें संस्करण का शुभारंभ किया है। वर्ष 2019 में GII का विषय रहा है स्वस्थ जीवन का निर्माण, चिकित्सा नवाचार का भविष्य। वैश्विक सूचकांक कॉर्नेल विश्वविद्यालय INSEAD और संयुक्त राष्ट्र विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और GII नॉलेज पार्टनर्स द्वारा प्रतिवर्ष विकसित किया जाता है। इसमें 80 संकेतकों के आधार पर 129 अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया, जिसमें बौद्धिक संपदा दाखिल दर से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन निर्माण, शिक्षा व्यय और वैज्ञानिक और तकनीकी विकास शामिल है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत 100 में से 58 स्कोर के साथ वर्ष 2018 में 97वें स्थान से वर्ष 2019 में 52वें स्थान पर आ गया है। शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है हमारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो MPI ने अपने सभी आयाम में वैश्विक गरीबी की एक व्यापक गहन तस्वीर प्रदान की है। सतत विकास लक्ष्य 1 की दिशा में प्रगति की जांच है। 101 देशों में 3 बिलियन लोग, मतलब 23.1% बहुसंख्यक गरीब हैं। मध्यम आय वाले देशों में 2/3 बहुसंख्यक गरीब लोग रहते हैं। प्रत्येक 3 बच्चों में से और 18 वर्ष से कम उम्र का हर दूसरा बच्चा दुनिया में हर पहलू से गरीब है। दुनिया के लगभग 34% बच्चे और MPI सर्वेक्षण में शामिल 5% वयस्क हर पहलू से गरीब हैं। 6 में से एक वयस्क 3 में एक बच्चे के साथ तुलना में गरीब है। इसलिए बच्चों में वयस्कों की तुलना में बहुआयामी गरीबी का खतरा अधिक है। भारत की बात करें तो भारत का MPI मूल्य 2005-06 में 283 से घटकर 2015-16 में 0.123 हो गया है। भारत ने 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी मुक्त किया है, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे तेज कटौती दर्शाता है। भारत और कंबोडिया ने अपने MPI मूल्यों को उन 10 चुनिंदा देशों में सबसे तेजी से कम किया है, जिनके लिए समय के साथ परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया था। झारखंड ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेज गति से गरीबी के मामले को कम किया है। 2005-06 में 9% से बहुआयामी गरीबी को मामले को घटाकर 2015-16 में 46.5% कर दिया गया। भारत इथियोपिया और पेरू के साथ ने सुपोषण, स्वच्छता, बाल मृत्यु दर, पीने के पानी, स्कूली शिक्षा के वर्षों, बिजली, स्कूल की उपस्थिति, आवास, खाना पकाने की ईंधन, संपत्ति जैसे सभी 10 संकेतकों में गिरावट को काफी कम कर दिया है। MPI में 2005-06 में 640 मिलियन लोग से घटकर 2015-16 में 369 मिलियन लोग हो गए। अगला है हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2017-18 में शिक्षा के क्षेत्र में चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2017-18 में चंडीगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है। सूचकांक ने 5 मानकों के आधार पर राज्य को स्थान दिया है, जिसमें सीखने के परिणाम और गुणवत्ता और पहुंच, बुनियादी ढांचे और सुविधाएं, इक्विटी और शासन प्रक्रिया शामिल है। 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को सूचकांक में स्थान दिया गया। अन्य रैंकिंग में गुजरात 3रे पे, हरियाणा 4थे पे, तमिलनाडु 5वें पे, पंजाब 7वें पे, राजस्थान 8, दिल्ली 9, केरल
के बाद केरल दूसरे स्थान पर था। कम से कम रैंकिंग अरुणाचल प्रदेश 36, नागालैंड 35, मेघालय 34 सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। साक्षरता में बात करें तो केरल में लक्षद्वीप और मिजोरम के बाद साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला है हमारा सार्वजनिक मामले सूचकांक 2018, केरल सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य और बिहार सबसे खराब। बेंगलुरु के विशेषज्ञ समूह पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार केरल देश का सबसे अच्छा शासित राज्य है। रिपोर्ट के अनुसार सुशासन देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात शामिल है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रहे। उच्च सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। छोटे राज्यों में बात करें तो 2 करोड़ से कम जनसंख्या के साथ हिमाचल प्रदेश सुशासन वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर। इसके बाद गोवा, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा है। मेघालय ने इस सूची में सबसे खराब प्रदर्शन किया। मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर अन्य गरीब कलाकार थे। इस वर्ष के सूचकांक ने यह भी मापा है कि प्रत्येक राज्य उत्पत्ति के समय से मृत है। केरल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम इस सूचकांक में शीर्ष पर रहे। अगला है हमारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2019 में भारत 86वें स्थान पर आया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2019 में 58 के परिवर्तन स्कोर के साथ भारतीय पासपोर्ट को 86वां स्थान प्रदान किया गया। जापान और सिंगापुर 189 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इस सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य स्थान है जिसमें सूक्ष्म राज्य और क्षेत्र शामिल है। तो याद रखिए भारत है 86वें स्थान पर और जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर। अगला है हमारा जून के महाराष्ट्र नीति आयोग के MFFR सूचकांक में पहले स्थान पर आया। महाराष्ट्र को नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए कृषि विपणन एवं किसान अनुकूल सुधार सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात ने 100 में से 71.5 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश। यह सूचकांक राज्यों को कृषि विपणन में उनके द्वारा किए गए सुधारों की कोटि के आधार पर स्थान प्रदान किए करते हैं। AMFFR में एक ऐसा स्कोर होता है जिसमें न्यूनतम मान 0 हो सकता है और जो दर्शाता है कोई सुधार नहीं किया गया, और अधिकतम मान 100 होता है जो दर्शाता है कि चयनित क्षेत्रों में पूर्णता सुधार किए गए। तो महाराष्ट्र पहले पे, गुजरात दूसरे पे, राजस्थान तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे। नीति आयोग, अगला नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक 2019। नीति आयोग रिपोर्ट में स्वास्थ्य संकेतकों पर समग्र प्रदर्शन के लिए बड़े राज्यों में केरल शीर्ष स्थान पर आया, उसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। याद रखिए उत्तर प्रदेश का सबसे कम, केरल सबसे अच्छा है। प्रमुख बिंदु हैं गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश चौथे, पांचवें और छठवें स्थान पर रहे। रैंकिंग 3 श्रेणियों में थी, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत की गई थी। ऐसा समान इकाइयों के मध्य तुलना को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। बड़े राज्यों में वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में हरियाणा, राजस्थान, झारखंड 3 शीर्ष स्थान पर रहे। अगला हमारा वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019। भारत का इसमें 141वां स्थान रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 163 देशों में से 141वें स्थान पर आया। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है। अफगानिस्तान सबसे कम शांतिपूर्ण राष्ट्र है। न्यूजीलैंड को दूसरे स्थान पर रखा गया है इसमें। पुर्तगाल को 3रा स्थान दिया गया है। ऑस्ट्रिया को 4था और डेनमार्क को 5वां स्थान मिला है। रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार की गई है। अगला हमारा एक ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, भारत को 95वां स्थान मिला है इसमें। भारत ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी सूचकांक में 129 देशों में 95वें स्थान पर आया। यह सूचकांक गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं को देखते हुए वैश्विक लैंगिक समानता को मापता है। सूची में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, उसके बाद फिनलैंड, स्वीडन थे। चार्ट को सबसे नीचे 129वें स्थान पर रखा गया है। इंडेक्स क्षेत्रीय और वैश्विक संगठनों के साझेदारी के प्रयास 2000
2030 के सामने 2030 के समान उपायों द्वारा विकसित किया गया। संकेतक इसमें 10 आधिकारिक सतत विकास लक्ष्यों के 14 में से 51 संकेतक शामिल है। अगला है IMD विश्व वित्तीय स्पर्धात्मक रैंकिंग 2019। भारत 43वें स्थान पर आया। भारत दुनिया में सबसे अधिक वित्तीय स्पर्धी अर्थव्यवस्था में 43वें स्थान पर आया। 2018 में यह 44वें स्थान पर था। सिंगापुर ने इसमें शीर्ष स्थान बनाया है। हांगकांग SAR दूसरे स्थान पर आया। अमेरिका 2019 में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। रैंकिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित की गई है। अगला है हमारा विश्व प्रेस सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर आया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत 180 देशों के बीच 140वें स्थान पर आया। सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर और उसके बाद फिनलैंड सेकेंड स्थान पर आया और स्वीडन तीसरे। तो याद रखिए भारत 140वें पे और ये रिपोर्ट जो जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019। भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर आया। इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई थी। लगातार दूसरे वर्ष फिनलैंड सूची में सबसे ऊपर आया। नॉर्वे के बाद डेनमार्क दूसरे स्थान पर आया। पाकिस्तान 67वें और भूटान 95वें स्थान पर आया। चीन 93वें और बांग्लादेश 125वें स्थान पर। श्रीलंका 130वें स्थान पर जबकि दक्षिणी सूडान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर रहा। अब भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2018। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता द्वारा विकसित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2018 में 78वें स्थान पर पहुंचकर अपनी रैंकिंग में सुधार किया। चीन और पाकिस्तान 180 देशों की सूची में क्रमशः 87वें 117वें स्थान पर रहे। सोमालिया को दक्षिण सूडान और सीरिया के बाद 10 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रखा गया। अगले हमारे भारत 60 अर्थव्यवस्थाओं के ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में 54वें स्थान पर आया। पहली बार भारत को दुनिया के सबसे नवीन देशों में ब्लूमबर्ग 2019 की सूची में स्थान दिया गया है। भारत ने ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में 60 देशों में 54वें स्थान पर आया को और 100 में से 93 अंक के साथ अधिग्रहित किया है। दक्षिण कोरिया लगातार 38 के स्कोर के साथ लगातार छठी बार ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर आया। जर्मनी दूसरे स्थान पर और फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। चलिए तो हम देखते हैं जनवरी से मई तक जो इंडेक्स निकले हुए हैं या सूचकांक उन्हें देखते हैं। कैंसर प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2019 में भारत 19वें स्थान पर रहा है। सूचकांक में भारत 28 देशों के बीच 19वें स्थान पर आया। ये सूचकांक जारी किया है सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने के द्वारा जारी किया गया। शीर्ष 3 देशों में रहे ऑस्ट्रेलिया पहले पे, नीदरलैंड दूसरे पे और जर्मनी तीसरे पे। नीचे के 3 देशों में रहे सऊदी अरब 28वें, रोमानिया 27वें, मिस्र 26वें। अगला हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत 100 देशों की सूची में 17वें स्थान पर आए। यह स्टार्टअप ब्लैंक द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट देशों को उनके स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर रैंक प्रदान करते हैं। चीन 27वें स्थान पर आया है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई शीर्ष स्थानों पर हैं। शीर्ष 3 देशों में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा शीर्ष पर हैं। अब है हमारी अगली है WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। भारत ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 76वें स्थान पर आया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत उच्च प्रदूषण स्तर वाले देशों में शामिल है और इसकी ऊर्जा प्रणाली CO2 की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक है। शीर्ष 3 देशों 3 स्वीडन लगातार शीर्ष पर बना हुआ है।
इसके बाद स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। सूचकांक जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित किया गया है। अगली हमारी हॉटस्पॉट में सर्वाधिक प्रभावित प्रजातियों की संख्या के मामले में भारत 16वें स्थान पर आया। PLUOS बायोलॉजी में हाल ही में विकसित एक अध्ययन में पाया गया है कि प्रजातियों पर मानव प्रभाव पृथ्वी सतह के 84% भाग में होता है और भारत ऐसे प्रभावों में 16वें स्थान पर है जहां औसतन 35 प्रजातियों का प्रभाव पड़ा है। मलेशिया ऐसे देशों के बीच पहले स्थान पर है जहां सर्वाधिक संख्या में प्रजातियां प्रभावित हैं। भारत के पश्चिमी घाट हिमालय और उत्तर पूर्वी सहित दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय वन संकटग्रस्त प्रजातियों के हॉटस्पॉट में से एक है। हालांकि ये सारे क्षेत्र कोल स्पॉट दुनिया के अंतिम शरण स्थल जहां भारी संख्या में संकट ग्रस्त प्रजातियां भी हैं। अगला है हमारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019। भारत 47वें स्थान पर आया है। इसमें स्वीडन शीर्ष स्थान पर आया है, उसके बाद सिंगापुर और अमेरिका रहा है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 फेसबुक की होनोमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा तैयार की गई है। समावेशी इंटरनेट स्कोर उपलब्धता समर्थ प्रासंगिकता और तत्परता श्रेणियों के स्कोर पर आधारित है। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 8 स्थानों की छलांग लगाकर 36वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं। भारत 2018 में 44वें स्थान पर था। फिर हमारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में भारत 80वें स्थान पर आया। इंडेक्स को INSEAD बिजनेस स्कूल ने टाटा कम्युनिकेशंस और एडेको समूह की साझेदारी में जारी किया है। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, जिसके बाद सिंगापुर और अमेरिका है दूसरे और तीसरे पर। पिछले साल भारत 2018 में 81वें स्थान पर था, इस बार 80वें स्थान पर है। अगला है हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। द इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया है, जो 5 व्यापक श्रेणियों में 60 संकेतक द्वारा 167 देशों को स्थान प्रदान करता है। सूची में 3 शीर्ष स्थान पर रहे हैं नॉर्वे आइसलैंड स्वीडन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में केवल पूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं। भारत की बात करें तो भारत 7.23/10 के अहम 10 के स्कोर के साथ 41वें स्थान पर था और उसे त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र श्रेणी में रखा गया है, तो 41वें स्थान पर रहा है भारत। ठीक है, अब भारत 79वें स्थान पर सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में। जापान सबसे ऊपर है, भारत 79वें स्थान पर है। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत 2018 में 81वें स्थान पर से 2019 में 2 स्थान की छलांग लगाई। जापान ने दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। अगले GDPR रेडीनेस इंडेक्स में भारत 6ठे स्थान पर। CISCO के अनुसार लगभग 65% भारतीय संगठन यूरोपियन यूनियन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के लिए बेहतर तौर पर तैयार हैं, जो देश को GDPR ग्रीनेस इंडेक्स वैश्विक नेटवर्किंग लीडर में विश्व में 6ठा गणित देश बनाए। अगला है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019। भारत 11वें स्थान पर। इंडेक्स के अनुसार स्वीडन सूची में सबसे ऊपर है, जबकि भारत 11वें स्थान पर है। यूरोपीय संघ पूरी तरह से 21 से 16वें स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन जर्मनी इसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 22वें से 27वें तक गिर गई है। इसका कारण लिग्नाइट कोयले पर निर्भरता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत है। सऊदी अरब 60वें स्थान पर आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता के द्वारा अपनी बाधात्मक भूमिका के कारण आया है। अगला है हमारा, तो याद रखिए भारत है 11वें स्थान पर। WEF लिंग अंतराल सूचकांक 2018 भारत 108वें स्थान पर है। भारत को विश्व आर्थिक मंच लिंग अंतराल सूचकांक 2018 में 108वें स्थान पर रखा गया।
WEF की वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट 2018 के अनुसार आइसलैंड ने अपने 85.8% के से अधिक के समग्र लिंग अंतर के साथ सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आइसलैंड शीर्ष पे, और याद रखिए भारत 108वें स्थान पर। रिपोर्ट में 149 देशों के लिए विकसित की गई थी। नॉर्वे और स्वीडन क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। अगला है हमारा विश्व बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019, भारत 70वें स्थान पर आया। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में सूचकांक में 190 देशों के बाद भारत ने 23वें स्थान में 77वें स्थान बढ़त किए। 31 अक्टूबर 2018 को विश्व बैंक ने वर्ल्ड वर्ष 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर डूइंग बिजनेस 2019 ट्रेंडिंग फॉर रिफॉर्म नामक रिपोर्ट जारी कर देशों का आकलन उन्हें स्थान दिया। पिछले साल भारत ने शीर्ष 100 तक पहुंचने के लिए 30 स्थानों की प्रगति की थी। अपनी वार्षिक डूइंग बिजनेस 2019 की रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि भारत ने देश में कारोबार शुरू करने और व्यवसाय करने में 10 में से 6 पैरामीटर में सुधार किया है। संकेतों में निर्माण स्वीकृति और सीमाओं के पार व्यापार से जुड़े सबसे बड़े सुधार हुए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 3 अर्थव्यवस्थाओं में न्यूजीलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क शामिल है। शीर्ष पे है न्यूजीलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क। अगला हमारा IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2018, भारत 53वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड लगातार 5वें वर्ष के लिए IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2018 की सूची में पहले स्थान पर आया। ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 50वें स्थान पर, भारत 53वें, ब्राजील 58वें, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन चीन 39वें, रूस 46वें स्थान पर है। शेष 3 देशों में स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे शामिल हैं। चलिए तो ये थे हमारे इंडेक्स 2019 सितंबर तक के। अब बात करते हैं हम लोग करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में 2019 के बारे में, ठीक है।